अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज के व्लॉग में एक्चुअली जो है वो आज आम रूटीन से हटकर है, क्योंकि आज सुबह ही सुबह मुझे घर से निकलना पड़ा। सड़कों का अजीब आलम था, हर किसी को जल्दी थी, हर कोई जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचना चाहता था। सभी अपने रोज़गार की तलाश में निकले हुए थे और मेरी तलाश जो थी वो अवामी मरकज़ की थी, क्योंकि पासपोर्ट जो है वो अवामी मरकज़ में बनता है। तो बहरहाल जाना तो था, सारे काम छोड़ कर के मैं निकल गई। तो बिलाखिर मैं पासपोर्ट ऑफिस पहुंची, वहां भी बहुत ही रश था। बिलाखिर मेरा काम हो गया 2 घंटे में। जब मैं काम से फारिग हो गई, वापसी में फिर मुझे हैबिट नज़र आ गया, तो मैंने कहा क्यों ना आपको भी हैबिट का दौरा कराया जाए। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, आपने नाम तो सुना ही होगा। वहाँ हर किस्म के आइटम मिलते हैं, डेकोरेशन पीसेज। तो चले आपको मैं वहाँ का सर्वे कराती हूँ, दिखाती हूँ कि कैसा है हैबिट। तो बिलाखिर हम पहुँच गए हैबिट। तो ये हैबिट का एंट्रेंस है। मुझे तो यहाँ आके बहुत मज़ा आता है, बहुत ही दिल खुश होता है, और ज़रूर आपका भी दिल बहुत खुश हो रहा होगा ये सब कुछ देखकर। यहाँ तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ ख़रीद लूँ, हर चीज़ इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी कि बस क्या बताऊँ। इतने ज़बरदस्त डेकोरेटिव आइटम हैं, आप देखें कितने खूबसूरत हैं, लेकिन सो एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। कुछ चीज़ें ले सकते हैं, कुछ चीज़ें जो है हमारे अप्रोच से बाहर हैं। तो बहरहाल देखने में तो पैसे नहीं लगते तो बस देख के ही विंडो शॉपिंग कर रही थी, आप ये कह सकते हैं। कुछ चीज़ें ली हैं मैंने ज़रूरत के लिहाज से। तो आप ये देखें कितना खूबसूरत डेकोरेट किया है इस जगह को। तो जब भी बोर हों तो ऐसी जगह आ जाएं तो मज़ा आता है, मुझे तो मज़ा आता है विंडो शॉपिंग करने में भी, वैसे भी शॉपिंग करने में मज़ा आता है। तो देख रहे हैं आप, वैसे ऐसी जगहों पे कम ही आना जाना होता है। एक तो दूर भी है, शारे फैसल पे है ये हैबिट, एक दो ब्रांचेस और भी हैं। ये मेरे साहबजादे हैं जिनके साथ मैं गई थी। और ये देखें कितना खूबसूरत वास है, अच्छा लग रहा होगा आपको भी, मुझे भी कुछ मुझे पसंद तो आए थे सारे ही, लेकिन एक दो तो फिर दिल आ गया था कि मैं ले लूँ। और आपको ये बताऊं कि रनर्स पे जो है ना सेल लगी हुई थी 20%, तो अगर किसी को लेना है तो आप जाएं, बहुत ही अच्छे रनर्स हैं, टेबल रनर्स। तो और ये देखें कितने खूबसूरत वास हैं, बड़े बड़े से घड़ियां भी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही स्टाइलिश थी, कुछ सिंपल थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट सी थी। हर चीज़ अपनी जगह अच्छी थी। यहाँ पे पिलो कवर्स भी हैं और भी घर की हर चीज़, घर में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है। प्लांट्स तो बहुत ही खूबसूरत थे, ये सारे आर्टिफिशियल थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि ओरिजिनल हैं। तो मैंने एक दो लिए हैं, कभी मौका मिला तो आपको दिखाऊंगी। पहले लिए थे मैंने, ये आप देख रहे हैं ग्लास में है, ये कितनी खूबसूरत कार्विंग हुई हुई है। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लेट थे, ये डेकोरेशन के लिए थे और इस्तेमाल के लिए भी। वहाँ पे क्रॉकरी पूरे डिनर सेट भी थे बड़े बड़े से। आखिर में मैं घर आ गई हूँ और आप देख रहे हैं मैंने क्या चीज़ें ख़रीदी हैं। दो बस ऐसी जग ख़रीदे थे, ये मुझे अपने शॉर्ट वीडियो के लिए चाहिए थे, शेक्स वगैरह के लिए। तो ये एक ग्लास का ये सेट लिया है मैंने, और बस जो समझ में आया जल्दी बस ये ले लिया, क्योंकि घर पे आके कुकिंग भी करनी थी। और ये मैंने शॉर्ट वीडियो के लिए मैंने ये रेसिपी तैयार की थी, इस कोरियन स्टाइल की मैगी है, बहुत ही यमी और इजी एंड क्विक है। तो मैं खाने जा रही हूँ, आप भी इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।